कांग्रेस और गांधी परिवार से तंग आकर पार्टी प्रवक्ता संजय झा ने कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन बदले में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सोनिया गांधी को संजय झा की बात पसंद नहीं आई। पहले उन्हें प्रवक्ता पद से हटाया और फिर जब झा ने सचिन पायलट के समर्थन में बयानबाजी शुरू की तो उनकी छुट्टी कांग्रेस पार्टी से ही कर दी गई, जिसके बाद अब संजय झा के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस ने अगर अपना रास्ता नहीं बदला तो पार्टी तबाह हो जाएगी। झा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में विपरीत विचारों के लिए असहिष्णुता है। उनके मुताबिक कांग्रेस बीजेपी पर अवैध लोकतंत्र का लांछन लगाती है, मगर अपने भीतर भी राजशाही संस्कृति को बढ़ावा देती है। झा ने कहा कि कांग्रेस का पाखंड साफ सामने आ रहा है। उन्होंने कई फैक्टर्स गिनाए हैं जो कांग्रेस की बर्बादी की तरफ इशारा करते हैं। झा के मुताबिक कांग्रेस बड़े राज्यों से लगभग गायब ही हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वोटर बेस के आंकड़े नॉकआउट पंच जैसे हैं। 2004 में 10.3 करोड़ वोटर्स का साथ पाने वाली कांग्रेस 2019 में 11.9 करोड़ वोटर्स को ही लुभा सकी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि 2019 की करारी हार के बाद कांग्रेस सिमट कर रह गई। उनके मुताबिक पार्टी ने बीजेपी को कर्नाटक हथियाने दिया, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के मुंह से मलाई छीन ले गई और साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी। राजस्थान को झा कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील मानते हैं। हालांकि संजय झा के अलावा कांग्रेस के दूसरे नेता भी पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान अपने नेताओं के बातों को दरकिनार कर रही है और उन्हीं की बात सुनी जा रही है जो गांधी परिवार के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस अब अर्श से फर्श पर पहुंच गई है, लेकिन कांग्रेस की नीतियों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।